मॉर्निंग नमस्ते, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से होंगे फ्रेंड। और मॉर्निंग का टाइम ऐसे ही 10:30 बजे का टाइम हो गया है और मेरे घर का सारा काम हो गया है, नहाना वगैरह सब हो गया है, पूजा भी कर ली है और घर एकदम नीट एंड क्लीन कर दिया है क्योंकि बेटू जा चुके हैं स्कूल और पापा गाँव चले गए हैं और घर एकदम साफ सुथरा हो गया है। अभी बेटू के आते ही सामान फैल जाएगा। मैंने अपना स्वेटर ना वहाँ पर रख दिया है क्योंकि अभी मुझे पहनना है स्वेटर, सर्दी लग रही है तो पहनूंगी। और पूजा रूम तो ही चकाचक क्योंकि पूजा वगैरह सब हो गई है। और इयर रिंग्स मैंने नहीं पहने क्योंकि ईयर में ना थोड़ा सा ना दर्द हो रहा था मुझे, तो मैंने नहीं पहना है। इस वाले रूम का गेट बंद कर दे रही हूँ क्योंकि इस वाले रूम में बहुत गमी आती जाती है तो इसको कर देती हूँ बंद। और आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था बतुए के पराठे बनाए थे, तो चलो आप लोगों को दिखा देते हैं चल करके। बतुए के पराठे बनाए थे क्योंकि अभी मैंने ब्रेकफास्ट किया है और अभी मैंने बनाया है बनाऊंगी मतलब बतुए की कढ़ी बनाऊंगी और राइस बनाऊंगी और चपाती बनाऊंगी, तो बस यही सब कुछ बनाना है। और अभी पराठे बनाए थे तो मैंने खा लिया है। बर्तन इतने सारे क्लीन करके रखे हैं और अभी ये मैंने ब्रेकफास्ट किया है तो उसके रखे हुए हैं, तो वो बर्तन मुझे अभी क्लीन करने हैं। तो बस मैं जा ही रही थी बर्तन धुलने के लिए, तो मैंने सोचा इससे पहले मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दूँ और आप लोगों से बात कर लूँ। और आजकल मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, चलिए दिखाते हैं चल करके। तो मौसम बहुत ही बढ़िया हो रहा है, मतलब धूप बहुत तेज़ निकल रही है बट हवा बहुत भयंकर वाली चल रही है, अजीब तरीके की हवा चल रही है जिससे कि ना बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है, मतलब बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी है। और मैं गेट ना बंद करके रखती हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हवा आती है, इस वजह से गेट खोलते हैं तो आप देख ही सकते हैं मतलब कि हवा चल रही है ना तो अंदर भी हवा बहुत ज़्यादा आती है, तो आपको दिखाती हूँ मैं। फ्रेंड देखिए कितनी चमकीली सी धूप निकली हुई है और हरे भरे पेड़ आप लोग देख ही सकते हैं क्योंकि खेत हमारे प्लॉट के सामने, ये सारे प्लॉटिंग ही है बट अभी प्लॉट किसी ने बनवाए नहीं है तो उसमें लोग अपने खेत वेत का जो होता है तो वो मतलब लगा लेते हैं। और आसपास जितने भी आपको हरे भरे दिखेंगे तो वहाँ पर ना प्लॉटिंग ही हुई है, लेकिन वहाँ पर क्या है अभी लोग सब खेतों में लगा लेते हैं, ये सारे प्लॉट ही हैं जो कि अभी ये बस्ती पूरी हो जाएगी, बन जाएगी। तो इस तरफ भी आप देख सकते हैं, तो आज वेदर बहुत ही बढ़िया है, खुला खुला सा एकदम अच्छा सा। और यहाँ पे मैंने आज ये अचार का डब्बा धुल के रखा था और यहाँ पे मेरे गुलाब का पेड़ है जो कि गिलहरी ने काट दिया था, तो ख़राब ही हो गया पूरा। इसको मैं धूप में कर देती हूँ, थोड़ी धूप लग जाएगी क्योंकि आजकल पेड़ों को धूप नहीं मिल रही थी ना, अब 2-3 दिन से धूप ठीक ठीक निकल रही है, तो ये है कि थोड़ा सा इसको भी धूप मिल जाएगी। और यहाँ से गिलहरी ने कट कर दिया था ना तो ये ख़राब हो गया था यहाँ से, तो मैंने इसको ना थोड़ा सा सीधा कर दिया था तो ये सही हो गया था। और यहाँ पे कपड़े डाले हुए हैं, बेटू की ड्रेस वगैरह आज मैंने वॉश करी थी तो वो डाली थी तो वो भी सूख रही है, टॉवल वगैरह यहाँ डाल दिए थी। और बच्चे देखिए कैसे धूप में बैठे हुए हैं, पढ़ तो बहुत ज़्यादा, मैंने जूम करके दिखा रही हूँ आपको, स्कूल में बच्चे धूप में बैठे हुए हैं। तो फ्रेंड देखा आप लोगों ने इस तरीके से मतलब कि धूप निकल रही है बहुत ही बढ़िया, लेकिन हवा बहुत ज़्यादा चल रही है जिसकी वजह से सर्दी बहुत ज़्यादा लगती है। और बच्चे स्कूल में बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो धूप में ही बैठे हैं, और बाकी में छोटे छोटे बच्चे हैं तो धूप तो मिलनी ही चाहिए कि सर्दी बहुत ज़्यादा है। स्कूल खुल चुके हैं और 1 महीने वैसे भी स्कूल बंद रहा तो अभी बच्चों के स्कूल वैसे भी बहुत ज़्यादा पढ़ाई का लॉस हुआ है, तो अब छुट्टी तो कर नहीं सकते हैं क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं बच्चों के, तो इस वजह से क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं तो बच्चे स्कूल जाने लगे हैं, बेटू भी स्कूल जा रहे हैं आजकल तो बहुत ज़्यादा वर्क वगैरह मिलता है उनको। तो चलिए मैं अब लंच की प्रिपरेशन करूँगी क्योंकि बेटू के आने से पहले पहले, जिससे कि लंच बन जाए। तो चलिए फटाफट से कढ़ी बनाती हूँ और राइस बनाऊँगी और चपाती बनाऊँगी। तो मैंने बतुए को उबाल के रख दिया था, बतुए की कढ़ी बनाऊँगी आज मैं। सो फ्रेंड बेटू आ गए स्कूल से, जाओ पे हैंड वॉश करो जाके। यहाँ पे बेटू आ गए स्कूल से और ड्रेस वगैरह उन्होंने अपनी उतार ली है और मैं बेटू के लंच बॉक्स और वाटर बॉटल, वाटर बॉटल कहाँ गई? वाटर बॉटल निकाल ली, ठीक है तो ठीक है चलो, ओके वेरी गुड। तो ओके ओके, तो बेटू हैंड वॉश वगैरह कर रहे हैं, उनके लिए दूध बनाऊंगी और बाहर बहुत हवा चल रही है। और अभी मैंने ना कढ़ी बनाई है और चावल बनाए हैं, चपाती बनाई है, तो आप लोगों को दिखा रही हूँ बतूनी कढ़ी बनाई है आज मैंने, तो ये दूध गर्म कर रही है बेटू के लिए। सो फ्रेंड यहाँ पे बतुए की कढ़ी बनाई है मैंने, तो बतुए की कढ़ी और राइस बेटू को बहुत अच्छे लगते हैं, तो यहाँ पे मैंने राइस बनाए हुए हैं और चपाती भी मैंने बना करके रख दी है, तो चपाती भी बना दी है। बस पहले मैं बेटू के लिए मिल्क बना दूंगी और बेटू मिल्क पी लेंगे,
बिटू वाटर पी रहे हैं बैठ करके, मैंने उनसे बोला था बैठ के वाटर पिया करो, तो वाटर पी रहे हैं। इसके बाद उनके लिए मिल्क बना दूँ, फिर इसके बाद मैं खाना लगाऊंगी। और आज आपने अपने लंच अच्छे तरीके से नहीं खाया, चटनी फिनिश हो गई थी पूरी। अच्छा, तो आज चटनी पराठा लेकर के गए हुए थे। तो ये देखिए, बद्दुए का पराठा बनाया था, पूरा पराठा वापस आ गया। एक पराठा खाया ना, तो ऐसे ही खा लेते वो तो, नमकीन था उसमें तो सब कुछ डला था, ऐसे ही खा लेते वो तो। हाँ, तो बिना चटनी के भी खाया करो ना, बस थोड़े आगे बस मिल्क बना रही हूँ मैं, ठीक है, मिल्क दे रही हूँ। तो बेटू को मैंने मिल्क दे दिया, बेटू अपना मिल्क पियेंगे, टीवी वॉच करेंगे। मैं जा रही हूँ कपड़े लेकर के आ रही हूँ टेरेस से, क्योंकि कपड़े सूख गए होंगे, धूप बहुत ज़्यादा तेज़ थी, तो जा रही हूँ ऊपर कपड़े लेकर के आती हूँ, कपड़े वगैरह फोल्ड करके आती हूँ, फिर खाना वगैरह खाऊंगी। और मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, बेटू अभी आ गए थे स्कूल से, फिर उनको लेने के लिए उसको लेकर के आई। और बस इसके बाद मैं अभी मुझे जो काम रह गए थे मैं वो करूँगी, तो जा रही हूँ पहले कपड़े लेकर के आती हूँ, तो कपड़े जा करके फोल्ड करके रखने हैं, चले चलते हैं ऊपर टेरेस में। सो फ्रेंड, देखिए इतने सारे कपड़े हैं और कपड़े लेकर के आई हूँ। हवा बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है टेरेस में, बहुत तेज़ हवा चल रही है, और बस अब कपड़े वगैरह मुझे ना फोल्ड करके रखने हैं, थे पड़े हैं इतने सारे कपड़े। और आज ना कपड़े वॉश करते, आज मैंने मशीन लगाई थी तो कपड़े इतने सारे हो गए, वॉश कर दिए थे। और बस बेटे को ब्लेजर वगैरह रह गया, वो मुझे वॉश करना है, तो अब वो मैं देखती हूँ कब वॉश करती हूँ। तो चलिए कपड़े मैं फोल्ड कर लूँ। बेटू अपने मिल्क पी लिया, पी लो मिल्क पी लो, फिर मैं खाना लगा रही हूँ, अभी साथ में ही खाएंगे, ठीक है, तब तक मैं कपड़े फोल्ड कर दूँ, ठीक है। हाँ, तो नहीं नहीं मैं कर लूँगी। और बेटू पहले मेरी बहुत हेल्प करा देते थे, और अभी स्कूल से आए हैं तो मैंने कहा आप खाना वगैरह खाओ अपना, मतलब मिल्क वगैरह पी लो, फिर मैं तब तक मैं फोल्ड कर दे रही हूँ कपड़े। तो चलिए मैं फटाफट से कपड़े फोल्ड कर दूँ, फिर मैं इसके बाद में आप लोगों से मिलती हूँ। सो फ्रेंड, सारे कपड़े मैंने एक से लगा दिए हैं, आप फोल्ड करके रख दिए हैं, और बेटू के मैंने कपड़े निकाल दिए हैं, तो बेटू अभी पहनेंगे। अपने कपड़े पहन लो, थोड़ी देर में पहनूंगी, चलो ठीक है। तो मैं बेटू को खाना दे दूँ और मैं भी अपने लिए खाना लगा लूँ, चलिए चलते हैं। तो बेटू को यहाँ पे खाना दे दिया, बेटू अपनी कढ़ी चावल खा रहे हैं, मिल्क बाद में पियेंगे, और मैं भी जा रही हूँ, सबके लिए खाना लगा लूँ, खाना खा लूँ, बस इसके बाद में फिर मैं और जो काम होंगे फिर वो करूँगी। तो चलिए खा लेती हूँ खाना, और दिखाती हूँ अपनी थाली क्या क्या बनाया था, बनाया तो है जो बनाया था आप लोगों के साथ में शेयर ही कर दिया क्या बनाया है। तो चलिए खा लेती हूँ खाना, फिर मिलती हूँ आपसे। सो फ्रेंड, इवनिंग का टाइम हो गया है, और मैंने जस्ट अभी चाय वगैरह बनाई है अपने लिए, और बेटू स्कूल से तो आ ही गए थे, बेटू का वर्क वगैरह सब हो गया, बेटू खेलने के लिए गए हैं, मैंने कहा थोड़ी देर आप खेल लो जा करके, तो बेटू खेलने गए हैं, और मैंने अभी बनाई थी चाय, और उनकी ड्रेस वगैरह ला करके उनके प्लेस पर रख दूँ, क्योंकि स्कूल से आते हैं ना तो ऐसे ही डाल देते हैं, और सेटिंग वगैरह होती है ना, मैं भी कहती हूँ थोड़ा सा ना बाहर ही फैला दो, उसके बाद में हालाँकि ड्रेस तो हर मतलब रोज़ ही चेंज करके जाते हैं, दूसरी पहनते हैं, लेकिन हो जाता है ना कभी कभी पैंट वगैरह जैसे साफ रहता तो मैं वही पहना देती हूँ दूसरे दिन भी। तो अभी चल चलते हैं किचन में। तो अभी मैंने ना चाय बनाई है, जस्ट अभी चाय बनाई है, अभी बर्तन वगैरह क्लीन करे हुए, देखिए चाय बनाई है, ठंडी होगी, बर्तन जब तक मैं क्लीन करने लगी तब तक चाय यहाँ पर ठंडी होगी, तो उसको दोबारा से गर्म करूँगी। और यहाँ पे बहुत सारे मैंने बर्तन क्लीन करके रखे हैं, तो आप देख ही सकते हैं कितने ढेर सारे बर्तन हैं, और सिंक एकदम नीट एंड क्लीन कर दिए। तो इवनिंग के टाइम पे यही सारे काम होते हैं जो करने को होते हैं। तो चलिए सबसे पहले ना मैं चाय गर्म कर लेती हूँ, और बेटू गए हैं अपना बैडमिंटन खेलने के लिए, क्योंकि उनके ना स्पोर्ट में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो परसों उनका मैच है, तो इसी वजह से थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह हो जाएगी। मैंने कहा चलो ठीक है कर लो, तो मैं चाय गर्म कर लूँगी, और इसके बाद में चाय वगैरह पीने के बाद में फिर मैं बिटू को बुलाऊँगी, क्योंकि फिर इवनिंग हो जाएगी। अभी धूप निकली हुई है, 5:30 बजे का टाइम हुआ है अभी, तो अभी तो धूप निकली है, और अब दिन बड़े होने लगे ना, तो थोड़ा सा टाइम हमें भी मिल जाता है अपने लिए, नहीं तो अभी बीच में बहुत छोटे दिन हो रहे थे तो अपने लिए भी टाइम नहीं मिलता था बिल्कुल भी। तो और आज मुझे ना मलाई वगैरह भी मतलब कि निकाल के बाहर रखनी है, तो रात भर में रूम टेम्परेचर में हो जाएगी, तो मैं मॉर्निंग में फिर मक्खन बनाऊंगी, तो मॉर्निंग में ही करूंगी ये सारे काम। और हो सकता है अभी अगर टाइम मिल गया तो फिर गर्म पानी डाल के ही बनाना है, तो नाइट के टाइम पे भी खाना वगैरह खिलाने के बाद फिर मैं बना लूंगी मक्खन। तो सबसे पहले पीती हूँ चाय, तो चलिए चाय छान लो। तो मैंने ना गिलास निकाल लिया है, और बर्तन एक के ऊपर एक रहते हैं तो कैसे ही गिर जाते हैं। आज ना मैं आज इवनिंग के टाइम पे बनाऊंगी मैं
मोमोज बनाऊंगी। बिट्टू का बहुत दिन से मन है खाने का और अभी बीच में ही बनाया था, काफ़ी टाइम हो गया अब तो सोया नगेट्स मैंने निकाल करके रख ली है, ये देखिए। तो ये सोया वाला ये बनाऊंगी मैं, तो जब बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। काफ़ी हेल्दी होता है सोया, तो बच्चों को खिलाना भी चाहिए। बिट्टू सोया बड़ी बहुत पसंद करते हैं, तो रखी हुई थी सोया नगेट्स, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं, नहीं तो ख़राबी हो जाएगी। और थोड़ी सी वेजीज वगैरह इसमें डालूंगी, तो जैसे बनाऊंगी तो आपके साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले तो मैं चाय छान लूँ, चाय वगैरह पी लूँ। और आज वेदर बहुत अच्छा था, बहुत तेज़ धूप निकली थी, लेकिन हवा इतनी ज़्यादा चल रही, इतनी भयानक वाली हवा चल रही थी ना कि बहुत ज़्यादा मतलब सर्दी लग रही थी, एकदम गलन भरी सर्दी है। तो गेट तो हम खोल नहीं सकते, गेट में हमेशा बंद करके रखती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड ठंडी हवा आती है और सर्दी बहुत ज़्यादा है, और सर्दी की वजह से ना सर में दर्द भी होने लगता है। तो अभी तो मैंने झाड़ू वगैरह लगाई और इसके बाद मैं बर्तन वगैरह क्लीन करे, चाय बनाई अपने लिए, और बिट्टू चले गए अपना वर्क वगैरह करके, मिल्क पी के खेलने के लिए गए हैं। तो चलो मैं चाय पी लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। फ्रेंड यहाँ पे देखिए मैंने ये सोया नगेट्स भी होके रखे थे, तो उनको मैंने उसका जितना भी वाटर था सारा स्क्वीज कर दिया है, इसका मतलब सारा वाटर निकाल दिया है। और यहाँ पे कुछ वेजीज मैंने कट करके रखी हैं, कैबेज है इसमें, कैरेट है और ग्रीन चिली है, बस इतना ही डाल रही हूँ। और थोड़ा सा जिंजर इसमें मैंने ग्रेट करके डाला हुआ है, और अब मैं इसकी स्टफिंग बनाऊंगी। तो चलिए फटाफट से स्टफिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख दी है, उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल करके हींग डाल दिया है। अब चलिए इसमें डाल देते हैं अपनी वेजीज को, ऐसे बनाओ ना तो बहुत ही बढ़िया बनते हैं, टेस्ट भी अच्छा आता है और जल्दी से बन जाते हैं, और बच्चों को ना वेजीज भी मिल जाती हैं खाने के लिए। सॉल्ट मिलाऊंगी, अभी मैंने सॉल्ट नहीं मिलाया है, और बस थोड़ा सा काउंटर टॉप क्लीन करूंगी क्योंकि बेजीज वगैरह कट करो ना तो पूरे में फैल ही जाती है। और आपको मिल्क चाहिए? और बेटू मिल्क मांग रहे हैं, खेल के आए हैं, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर ली? हाँ। चलो किसके साथ खेल रहे थे? भाई के साथ। अच्छा ठीक है, अपना मिल्क ले जाओ, मिल्क पी लो। सुबरन चलो मैं जल्दी से इसका डो लगा लेती हूँ, तो जब बनाऊंगी फिर आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। सो फ्रेंड यहाँ पे मैंने डो लगा दिया है, तो मैदे का डो लगाया हुआ है यहाँ पे इस तरीके से, तो ये डो लग गया है। और अब बस फटाफट से स्टफिंग तैयारी हुई थी मेरी, अब फटाफट से बनाते हैं मोमोज और पापा जी को देते हैं, क्योंकि पापा जी आ गए हैं और इवनिंग का टाइम हो गया। अब मैं आपको दिखा दे रही हूँ, बेटू गए हैं नीचे दिया रखने के लिए। सो फ्रेंड देखिए इतनी इवनिंग हो गई है और पापा जी आ चुके हैं, और बेटू को मैंने दिया रखने के लिए भेजा है। तो बेटू गए हैं दिया रखने के लिए, और आकर के वो ही करेंगे पूजा, क्योंकि रोज़ रोज़ उनसे पूजा, अभी सर्दी थी ना तो रो मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन नहा करके जाते थे, तो पूजा वो नहीं कर रहे थे, तो उनकी हैबिट छूटती जा रही थी पूजा करने की। वैसे रोज़ ही करते थे, बट अब कुछ दिनों से नहाना वगैरह थोड़ा मतलब डेली नहीं होता ना, तो होता है ना बच्चों को जब किसी भी चीज़ के लिए आप कहते नहीं हो ना तो वो बच्चे फिर वो करते भी नहीं है। तो मैंने कहा कि आज आप आरती करोगे, तो मैंने उनको दिया वगैरह बना करके दे दिया है, और यहाँ पे अभी मैं दिया साफ कर दे रही हूँ, तो वो आ करके वो ही पूजा करेंगे। मैंने कहा आज आप ही पूजा करोगे, और मैं जा रही हूँ मोमोज बनाने के लिए, तो मैंने कहा मैं पापा के लिए मोमोज बना दूँ क्योंकि पापा आ गए हैं, और मैं तब तक दिया अपना धुल दे रही हूँ, तो वो आ करके मतलब पूजा कर लेंगे आ करके। तो बस ऐसे ही होता है ना, बच्चों को लगाना पड़ता है, और ये सारी चीज़ें ना बच्चों को सिखाने चाहिए, क्योंकि एज के साथ साथ बच्चे ना बड़े होंगे जैसे, तो चीज़ों को सीखेंगे और अच्छे से करना आएगा उनको। तो चलिए फटाफट से दिया साफ कर देती हूँ, और फिर रखा ही दिया। चलो ठीक है, आरती करो अपनी, इस साइड को रखती है। चलो ठीक है, हवा चल रही होगी बाहर ना,
तो आज हवा चल रही है ना, तो मैंने कहा कि आप अंदर साइड रख देना दिया, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ। अंदर साइड रख दिया उन्होंने और दरवाजे में पानी वगैरह शाम के टाइम डलवा देती हूँ, उसके बाद में दिया रखवाती हूँ, क्योंकि डॉगी वगैरह आते हैं, टॉयलेट वगैरह कर दिया, कभी किसी के पैर ही पड़ गए उस जगह पे जहाँ पे दिया रखते हैं, तो इस वजह से मैं धुलना सही समझती हूँ। तो दोनों टाइम ही धुले जाते हैं गेट, तो मॉर्निंग में भी धुलती हूँ दरवाजे के बाहर, मतलब गेट के बाहर, और इवनिंग के टाइम पे भी एक एक मग पानी डाल करके और फिर वहाँ पे दिया रखते हैं, क्योंकि पूजा है भाई एक तरीके की। तो चलिए फटाफट से बनाती हूँ मोमोज। यहाँ पे बेटू करने जा रहे हैं पूजा, तो रोज पूजा किया करो, आरती किया करो रोज, है अब्बा रोज। हाँ चला जाता हूँ, नहीं आप रोज नहाते नहीं, एक दिन छोड़ के एक दिन नहाते ना, इसी वजह से हैबिट खत्म हो रही ना। चलो करो पूजा, अच्छे से आरती कर लो, ठीक है, मैं बाबा के लिए तब तक बना रही हूँ मोमोज, तो फिर देके आना, ठीक है, ओके। सो फ्रेंड, बेटू पूजा कर रहे हैं और मैं आ गई हूँ किचन में, तो यहाँ मैं इस तरीके से छोटी छोटी पूड़ियाँ बेल लूँगी, और यहाँ पे मैं पूड़ियाँ बेल ली थी और इसके बाद मैं इसमें फिलिंग मतलब स्टफिंग जो बना के रखी हुई थी सोया नगेट्स की, वो इसमें मैं फिल करके रखूँगी। इस तरीके से कभी आप लोग भी बनाइएगा, बहुत ही अच्छे मोमोज बनते हैं और टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं रहता, टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और काफ़ी ज़्यादा हेल्दी हैं, आप अपने बच्चों को भी दे सकते हैं। और इस तरीके से बनाएंगे ना तो बच्चे कभी मना नहीं करेंगे कि नहीं मतलब ये वाले मोमोज नहीं खाने हैं, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, मतलब बेजीज अकेले जो हम डालकर बनाते हैं उससे कहीं ज़्यादा ये हेल्दी है, क्योंकि इसमें सोया नगेट्स जो पड़ा हुआ है ना, तो इससे क्या है ना बच्चे सोया खा लेते हैं, कभी कभी कोई कोई बच्चे होते हैं ना जो सोयाबीन की बड़ी वगैरह सोया नहीं खाते हैं, तो इस तरीके से अगर आप देंगे तो काफ़ी ज़्यादा हेल्दी वर्जन है इस तरीके से ये मोमोज का। लेकिन आप जब कभी भी बना के बच्चों को दें तो प्योर मैदे में मत बना के दें, मैदे के साथ में थोड़ा आटा भी मिक्स करें, जिससे कि उनको हेल्थ में कोई प्रॉब्लम ना हो उनकी हेल्थ में, और उनको मतलब टेस्ट में भी कोई फ़र्क ना पता चले, क्योंकि थोड़ी सी क्वांटिटी में अगर मैदा मिक्स करते हो उसमें ढेर सारा आटा मिला करके अगर आप डो लगाते हैं तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा बच्चों को, और इस तरीके की मतलब स्टफिंग बना करके भर के उनको और बना कर दे सकते हैं। तो बाजार की चीज़ें खाने से बच्चे बच जाते हैं और हमें पता रहता है कि हम अपने घर में ही हेल्दी तरीके से बना करके अपने बच्चों को दे रहे हैं। तो आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, जिस मेथड से मैंने बनाए हैं इसी मेथड से आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, मोमोज बना करके देखिएगा, बहुत ही अच्छे लगते हैं, बहुत बढ़िया लगते हैं खाने में, और बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आता है इसका, और चटनी आप देख ही सकते हैं। तो पापा जी के लिए प्लेटिंग कर दी है, अब जा रही हूँ पापा जी को दे करके आती हूँ, बेटू को दे दूंगी। सो फ्रेंड, मोमोज वगैरह सब बन गए हैं और मैंने अभी नहीं खाए हैं, बेटू खा रहे हैं बैठ करके, पापा को पहुंचा दिए हैं, पापा को बहुत अच्छे लगे मोमोज, और जब तभी कभी तो बनते ही हैं, तो पापा जी आ गए थे, मैंने सोचा फटाफट से बना देती हूँ, पहले वो खा लेंगे इसके बाद में ही खाना खाएंगे। और अभी 7:15 का टाइम हुआ है, मतलब 7:15 हुए हैं, और 7:30 तक मैं उनको खाना दूंगी, क्योंकि उन्होंने बोला है कि थोड़ी देर से खाना खाएंगे, क्योंकि अभी मोमोज खाए हैं ना, मोमोज खाए हुए उनको काफी टाइम हो गया, यहाँ पे चल रही है रामायण, तो मैं रामायण देख रही हूँ, यहाँ पे बेटू बैठ करके मोमोज खा रहे हैं। कैसे लग रहे हैं मोमोज? टेस्टी लग रहे हैं बेटू मोमोज, तो बेटू खा रहे हैं, और तो चलिए बेटू को खाने देते हैं, और मैं अभी थोड़ी देर बैठ करके रामायण देख लेती हूँ अपनी, और इसके बाद में फिर पापा जब खाना खाएंगे तब खाना उनको लगा करके दूंगी, और इस ब्लॉग का भी मैं ना यहीं पे एंड करूंगी, और नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों से मिलूंगी। आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक दीजिएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन आप लोगों को मिले और आप मेरे न्यू ब्लॉग देख सके। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।